देखिए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने दिल्ली में पिछले सप्ताह राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी एक तरीके से दिया था, जब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी संभल जाओ नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ। हम सब लोग जानते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपनी छाती पे 34 गोलियां खाई थी और शहीद हुए। हम सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी के पिता, जिन्होंने शांति वार्ता शुरुआत करी, इस वजह से उनके जिस्म के चीथड़े उड़ा दिए गए। आप उस व्यक्ति को जिसके परिवार में, जिसके पिता ने, जिसकी दादी ने शहादत देश के लिए दी, आप उनके बारे में ऐसा कहते हो कि आप संभल जाओ, आप बोलो मत कुछ भी, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। भारत के अंदर राजनीति इससे ज्यादा निचले स्तर पे नहीं गिर सकती। चलिए एक व्यक्ति ने कह दिया, हो सकता है उसके अपने निजी विचार हो सकता है कि वो अपने आकाओं को खुश करना चाह रहा हो, लेकिन ना तो उसके आकाओं ने, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको चुप कराने की कोशिश करी, ना उसकी भर्त्सना करी। उसके दो तीन दिन के बाद में भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल ने, उसके एक नेता ने, विधायक ने यह कह दिया कि राहुल गांधी जी की जो जुबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। क्या ये राजनीति है? आपको जिसकी बात पसंद नहीं, आपको जिसकी आवाज पसंद नहीं, आपको इसलिए उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए उसकी आवाज पसंद नहीं क्योंकि वो अकलियत की बात करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़े वर्गों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, संविधान को बचाने की मांग करते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि उसकी जुबान काट लेगा जो उसको 11 लाख मिलेंगे। आपको उसकी आवाज, उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए आप कहते हैं कि तुम्हारा भी वही हाल होगा उसी तरीके से जो तुम्हारी दादी का हुआ था। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है। जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपने छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं होगी, हमारे नेता कभी चुप नहीं होंगे। इसी प्रकार से हमारे नेता दलितों के, पिछड़े वर्गों के, अकलियतों के और कुचले वर्गों के, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए इन सब की आवाज हमारे नेता उठाते रहेंगे, ये आज हम कहना चाहते हैं। और सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि वो संभल जाए, अपने लोगों को संभाले, अपने लोगों को बचाएं, उनको बताएं। और ये कोई एक जगह दो जगह नहीं है, जो व्यक्ति इनको पसंद नहीं आता उसको ये खट से, उसको कहते हैं कि ये आतंकवादी है, उसको आतंकवादी ब्रांड कर देते हैं। एक मंत्री भारत सरकार का, इसलिए उनको राहुल गांधी जी को आतंकवादी ब्रांड कर दे क्योंकि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो उनको पसंद नहीं। तो ये कहां की राजनीति है? एक नेता कह दे कि इनको मार दिया जाए जान से, इनकी इनकी जुबान काट ली जाए क्योंकि उनकी बात उनको पसंद नहीं आ रही, तो इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट करी है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए। आज सरे चौराहे पे बीच में पब्लिक मीटिंग के अंदर अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि इनका वही हाल होगा जो इनकी दादी का है, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बड़ा सीधे के सीधे जान से मारने की धमकी कानूनन तौर के ऊपर नहीं हो सकती। इसलिए हम पुलिस को कह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और इनके ऊपर एक्शन दिया जाना चाहिए। हम लोगों ने एनेक्सेस दिए हैं और चार लोगों के खिलाफ में, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर एक उनके पूर्व दिल्ली के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिवसेना के जो महाराष्ट्र के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं उनके बारे में, केंद्र सरकार के अंदर पंजाब से पहले और अब राजस्थान से आए हुए सांसद मंत्री हैं उनके बारे में, और एक यूपी से मिनिस्टर हैं जिन्होंने परसों, उन्होंने भी राहुल जी के खिलाफ में बोला है। ये चारों के खिलाफ में हम लोगों ने बाय नेम हमने कहा है कि इनके खिलाफ में FIR होंगे।